देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख पहुंची हैं। आपको बता दें कि सियाचिन बेस कैंप का दौरा करने वाली द्रौपदी मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति बन जाएंगी। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद ने भी सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया हुआ है। आपको बता दें कि किस किस राष्ट्रपति ने और कब कब दौरा किया है। तो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अप्रैल 2004 और रामनाथ कोविंद मई 2018 में सियाचिन का दौरा कर चुके हैं। भारतीय सेना का बेस कैंप दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है। यह 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम माउंटेन रेंज में है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री जोन है। यहाँ जवानों को फास्ट बाइट और तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को इस इलाके पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। सैनिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि भारी बर्फबारी और शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान जैसे कठिन परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने धैर्य और त्याग का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सैनिकों पर गर्व है और सभी नागरिक उनकी वीरता को प्रणाम करते हैं। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने सैनिकों से कहा कि सभी भारतीय उनके त्याग और धैर्य से अवगत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। भारतीय सैन्य वर्दी पहने मुर्मू ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा यह स्मारक उन सैनिकों और अधिकारियों के बलिदान का प्रतीक है जो अप्रैल 13, 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत के बाद से शहीद हुए हैं। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। राष्ट्रपति ने कहा है कि ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत के बाद से ही भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों और अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने थोईज हवाई क्षेत्र में राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर उनका स्वागत किया। मुर्मू देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित सियाचिन आधार शिविर का दौरा किया है। ऐसा करने वाले अन्य राष्ट्रपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद का भी नाम शामिल है। कलाम ने अप्रैल 2004 में यहां का दौरा किया था जबकि कोविंद ने मई 2018 में आधार शिविर गए थे। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे सैनिकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहां सैनिकों को अत्यधिक ठंड और तेज हवाओं समेत मौसम संबंधी अन्य गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।